रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, चलना जरा आया तो इतरा के चले हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। ये हमारे देश की नारी है और यहाँ इनका सम्मान हो रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं मामला क्या है, पहले पूरा वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। दरअसल ये उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, आपने पहचान तो लिया ही होगा, योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट मंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनके पास एक महिला अपनी समस्या लेकर जाती है, वो समझ बैठती है मैं उत्तर प्रदेश की नारी हूँ, सम्मान का अधिकारी हूँ। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का सबसे बुलंद नारा है, नारी सम्मान के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है, और मंत्री साहब को अपना दुखड़ा सुनाने लगती है, जिनका एक महिला का सम्मान करने का अंदाज ही अनोखा है, निराला है, काबिले तारीफ है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करना तो इनसे सीखिए, कोई इनसे सीखे। क्योंकि नारी का सम्मान तो प्रथम कर्तव्य है। बीते 8 मार्च को नारी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया था। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं इस सभागार में उपस्थित और पूरे प्रदेश के भी सभी मातृशक्ति को और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की नारी शक्ति को इस दिवस की बधाइयां दिया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रदेश की नारी शक्ति की सुरक्षा का सम्मान सर्वांगीण विकास के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी पीछे कैसे रहते, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो ठहरे, उन्होंने भी बधाई देने में कोई देरी नहीं किया, पूरी की पूरी कविता छाप डाले। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। यही नहीं रुके, नारी शक्ति के अदम्य साहस, सम्मान, समानता, सुरक्षा, सहभागिता और सशक्तिकरण के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पर शायद उस दिन भूल गए थे, कामकाज का दबाव ज्यादा है, अब सम्मान करना भूल गए और नारी को हड़काते नजर आए। तो खैर, देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटाप को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम YouTube, Facebook, Twitter और Insta सभी जगह अवेलेबल हैं।